कल कोविड-19 के लगभग हमें 90 रिपोर्ट मिले हैं, जिसमें से लगभग 70 जो थे वो लेट डिस्ट्रिक्ट के थे, बाकी कारगिल के थे, और सभी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आए हैं। आपको जानकारी है कि आज से जो हमारे लॉकडाउन था उसकी पॉलिसी में थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ है, और लेह और कारगिल दोनों जो है हॉटस्पॉट के डेफिनेशन में नहीं आते हैं। और हमारे यहाँ पर जो कंटेनमेंट एरिया था उसमें अचिनाथम जो कि ले ज़िले में आता है उसको भी हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन से बाहर लाए हैं। इस बीच जो ज़रूरत के सामान है हम लोग धीरे धीरे करके जुजिला का रस्ते से सामान जो है ज़्यादा ला रहे हैं, ज़्यादा गाड़ियों को परमिट कर रहे हैं। कल लगभग 90 हमारी गाड़ियाँ आए हैं, जिसमें से करीब 45 जो है कारगिल के लिए था, और सिर्फ उसमें खाद सामग्री था। पहले के जैसे हम लोगों ने ना तो इसमें पेट्रोल लाया है ना गैस सिलेंडर लाए हैं, और उसी तरह 25 गाड़ियाँ जो थे वो ले के लिए थे। कल लगभग 70 गाड़ियाँ आएंगे, जो कि ऑलमोस्ट बराबर है दोनों ज़िलों का, जिसमें हम लोग एसेंशियल कमोडिटीज़ के सामान ला रहे हैं। जैसे 20 तारीख के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन था, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ले और कारगिल के लिए कोई नोटिफिकेशन निकल रहा है, क्योंकि लोगों में थोड़ा बहुत सारा कन्फ्यूजन है। हम लोगों ने एक जेनरिक ऑर्डर निकाला है विथ इंस्ट्रक्शंस कि दोनों डीसीज जो है अपने अपने लेवल पे वो निकालेंगे, एडवाइजरीज निकालेंगे, वो उन्होंने गाइडलाइंस निकाले हैं। हम लोगों का रोल यहाँ तक रहता है जीएडी डिपार्टमेंट का कि जो यूटी के जो ऑफिसेस है वो हम लोग किस तरह से खोलेंगे, तो हम लोगों ने ज़रूर रिलैक्सेशन के संबंध में इंस्ट्रक्शन जो है उनको दिया। हमारा डोमेन होगा सिर्फ ऑफिसेस तक कंटेंट, जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट और विलेजेस का है उसमें जो रिस्पेक्टिव डीएम्स ने जो एडवाइजरीज निकालने हैं वही फॉलो।